स्टूडेंट आज देखिए हम क्या करेंगे, आज एक्स प्लस वाई का क्यूब पढ़ेंगे। अभी तीन है तो अभी ब्रैकेट तीन पर मल्टीप्लाई होगा, बट आपको पता है दो ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होता है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया एक्स प्लस, उसको ऐसे रखा। अभी एक्स तब से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इसके साथ होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और एक्स वाई स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई के साथ वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई क्यूब वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हुआ वाई क्यूब। हमने क्या क्या पेयर बना लेंगे, इसका इसका पेयर इसका और इसका पेयर वाई क्यूब एक्स को लास्ट में लिख दिया करेक्ट। ये पेयर देखो एक्स प्लस वाई आपको कॉमन दिख रहा है, एक्स वाई टू कॉमन दिख रहा है, एक्स और वाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ से एक्स बच गया, यहाँ पे वाई जा रहा है वाई बच गया, ये ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बच गया और टू एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई कॉमन है तो यहाँ पे वाई बच गया, तो वाई मैंने यहाँ लिख दिया, एक्स बचा तो एक्स यहाँ लिख दिया। तो देखिए ये ब्रैकेट कॉमन है, मैंने ये ब्रैकेट में से इसको बाहर लिख देते, यहाँ पे टू एक्स वाई बचा प्लस एक्स वाई, टू एक्स वाई और एक्स वाई क्या होगा आपका थ्री एक्स वाई और एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एज इट इज, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब प्रैक्टिस सेट वन में पहला सम क्या है आपका एक्स प्लस फोर का क्यूब। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, एक्स को क्या के को हम लोग क्या के प्लस फोर का क्यूब के लेंगे एक्स, और हमने फोर को क्या ले लिया वाई ले लिया। फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या होगा कि एक्स जब के लिख दिया के क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स क्या मेरा के इंटू वाई क्या मेरा फोर ब्रैकेट के अंदर के प्लस फोर, समझ गया था, फिर प्लस वाई क्यूब मतलब वाई क्या जगह फोर लिखना था, यहाँ पे क्या होगा आपका फोर क्यूब के क्यूब एज इट इज प्लस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व और के वैसे का वैसे और आपका ब्रैकेट वैसा फोर का क्यूब सिक्सटी फोर। बट आपके आंसर में आंसर थोड़ा एक्सपांड किया तो इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो एज इट इज होगा के क्यूब ट्वेल्व के इंटू के स्क्वायर ट्वेल्व के स्क्वायर प्लस ट्वेल्व फोर ज़ा फोर्टी एट के प्लस सिक्सटी फोर, ये आपका आंसर होगा पहला करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका दिया सेवन एक्स प्लस एट वाई क्यूब, तो अभी हमने क्या किया एक्स नहीं ले रहे बिकॉज एक्स लेंगे तो यहाँ पे भी एक्स है तो कन्फ्यूज होगा, तो आपने ए ले लिया, हमने ए क्यूब सेवन एक्स लिया बी एट वाई, आपका फॉर्मूला ए फॉर्म में होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब ए प्लस बी क्यूब छोड़े ए क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। तभी ए की जगह हमने क्या सेवन एक्स लिखा प्लस थ्री इंटू ए क्या सेवन एक्स प्लस बी एट वाई ब्रैकेट सेवन एक्स प्लस एट वाई प्लस बी में था एट वाई का क्यूब, दो नंबर इसका ब्रैकेट यूज करो थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए करेक्ट। तो सेवन का क्यूब थ्री फोर्टी थ्री एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन एट जा वन सिक्सटी एट करेक्ट। अभी आपने क्या किया ये लिखा फिर इसको एच डी रखा प्लस एट का क्यूब फाइव वन टू वाई क्यूब। अब अगर आप एक्सपांड करेंगे इसको ओपन करेंगे सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स पाँच फाइव कह रही सेवन सिक्स जा फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस सेवन फोर्टी सेवन फोर कह रही सेवन एट जा सेवन प्लस फोर इलेवन एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर और वाई ये पार्ट हो गया आपका। अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे से एट को करें एट एट जा सिक्सटी फोर करेक्ट सिक्स कह रही एट सिक्स जा फोर्टी एट प्लस सिक्स फिफ्टी फोर फाइव के एट वन जाए एट प्लस फाइव थर्टी तो वन थ्री फोर फोर और एक्स एज इट इज वाई यहाँ पे वाई बाई वाई इसका ये वाला पार्ट एज इट इज ये आपका सम होगा करेक्ट। अभी नेक्स्ट सम में आपको क्या दिया वैल्यू फाइंड करना है, फोर्थ सम में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्टी थ्री क्यूब। अब फिफ्टी थ्री क्यूब का वैल्यू फाइंड करें तो पहले हम जैसे नंबर आते तो क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम जाएगा, तो क्वेश्चन में रहता हूँ बाय द फॉर्मूला मेथड। तो अभी हम क्या करते हैं इसके पास का मतलब टेन का मल्टीपल टेन मल्टीपल क्या होगा फिफ्टी होगा और फिफ्टी के पास थ्री तो हम इसको फिफ्टी प्लस थ्री भी लिख सकते हैं करेक्ट। अभी हम वही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे बोलेंगे लेट क्या लिखा आपने लेट ए क्या लिया आपने फिफ्टी और बी क्या ले लिया थ्री। फॉर्मूला आपके पास जो है फॉर्मूला देखो आपके पास ये फॉर्मूला है तो आप क्या लिखोगे पहले फिफ्टी का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए क्या आपका फिफ्टी इंटू बी क्या आपका थ्री ब्रैकेट ए क्या है फिफ्टी प्लस बी क्या है थ्री करेक्ट प्लस बी क्यूब मतलब थ्री का क्यूब क्यों क्या आपका सर अगर फिफ्टी क्यूब जीरो कितना है क्यूब में जीते जीरो तीन जीरो होता है एक दो तीन और फाइव किसका वन ट्वेंटी फाइव का प्लस अभी यहाँ मल्टी थ्री से नाइन नाइन फाइव का फोर्टी फाइव और एक जीरो आपका एज इट इज प्लस फिफ्टी थ्री करेक्ट सर। आप चीज़ इसको ऐसे लें तो फिफ्टी प्लस थ्री लिखो तो थोड़ा इजी हो फिफ्टी प्लस थ्री लिख दिया आपने प्लस थ्री थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन। अभी इसको हम क्या करते हैं वन टू फाइव जीरो जीरो प्लस दो जीरो हो गया फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव फाइव फोर जै ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्लस थ्री जीरो जै जीरो थ्री फाइव जै फिफ्टीन थ्री फोर जै ट्वेल्व थर्टी प्लस ट्वेंटी सेवन। अभी आप ऐड करो आराम से
यूनिट 7 है, यहाँ पे कहीं नहीं है। टेंस पे 2 है, टेंस पे कुछ नंबर नहीं है। कर 100 पे यहाँ 3 है, यहाँ पे 100 पे क्या है आपके 2 है, सॉरी 100 पे 3 है, यहाँ पे 100 पे क्या 5, 3 + 5 8। यहाँ 1000 पे 1 है, यहाँ पे 2, 1 2 3, 3 + 5 8 और 1 और 2 एज इट इज। इफ यू गोइंग टू ऑब्जर्व, आपका आंसर यह आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर दिया बुक में 14000 बेटा प्लेस। सर स्टूडेंट, मैंने किसका क्यूब फाइंड कर दिया 53 का, तो आप 52 का भी सेम वे से फाइंड कर सकते हैं, समझिए। तो आप 52 का अपने से फाइंड, मैंने 53 का आपको क्यूब फाइंड करके देंगे, करेक्ट। अभी आप सिक्स सम एक सम देख लीजिए, सिक्स सम कैसे करना है आपको। सिक्स सम भी इजी है, लेकिन आपको बेसिकली वही फॉर्मला यूज करना है, यहाँ फैक्टर है कि आप डर जाते हैं, एक्स प्लस 1/x³। तो आप यहाँ पे ए क्या लोगे एक्स, बी क्या लोगे 1/x। तो फॉर्मूला क्या आपका भाई, फॉर्मूला क्या, एक ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस 3 × ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर × बी मतलब 1/। अगर आपका सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे तो आपका 3ab, चलो ए बी लिखते हैं, 1/x ब्रैकेट में ए प्लस बी ना, वो एक्स प्लस 1/x प्लस बी का क्यूब मतलब 1/x का क्यूब। अभी आपके होंगे एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 3 ए कट जाएगा, 3 × 1 = 3, एक्स प्लस 1/x प्लस 1 का क्यूब होगा 1 और x का क्यूब होगा एक्स क्यूब। चाहिए तो आप ब्रैकेट ओपन करके क्या मिलता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 × 3/x प्लस 1/x³, ये आपका फाइनल आंसर है, करेक्ट। तो कन्फ्यूज आपको होना नहीं है और आप आराम से सम कर सकते हैं, बाकी के सम आप होमवर्क कर लेंगे। ओके, थैंक यू।